दोस्तों, जब आप किसी डेटा या रिपोर्ट को प्रेजेंट करते हो तो यह बहुत जरूरी होता है कि वह रिपोर्ट सभी को अच्छे से समझ आए, और इसके लिए डेटा का ग्राफिकल फॉर्म में होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी रिपोर्ट को सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से समझा पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सेल का एक और बेहतरीन वीडियो, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल में कैसे एक शानदार डैशबोर्ड बनाकर आप अपने डेटा को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट जरूर देखें, ये आपके बहुत काम आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश तोमर, आप सभी का अपने चैनल व्यक्तिगत ज्ञान में स्वागत करता हूं, और यहां मैं आपके लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्निकल टिप्स और ट्रिक्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि एक्सेल के अंदर हम कैसे अमेजिंग डैशबोर्ड बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक सेल्स बोर्ड का डैशबोर्ड बनाया हुआ है। जैसे आप यहाँ पर अगर ईयर पे क्लिक करते हैं तो ये दिखाएगा कि आपका ईयर वाइज डेटा क्या क्या था। आप मंथ वाइज चेक करना चाहते हैं तो आप मंथ वाइज चेक कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर मंथ में कितनी कितनी सेल हुई है। आप यहाँ देखेंगे, जैसे मैं जून पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर स्टेट वाइज सेल क्या है, एम्प्लॉय वाइज सेल क्या है, आइटम वाइज, कैटेगरी वाइज और टोटल हमारा परसेंटेज वाइज क्या क्या सेल है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। आप यहाँ से स्टेट वाइज चेक कर सकते हैं कि हमारा किस स्टेट में क्या था। जैसे मैं दिल्ली पर क्लिक करता हूँ तो दिल्ली का आप देखेंगे। और दोस्तों, इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप ये डैशबोर्ड बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं एक दूसरी फाइल ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एक फाइल और ली हुई है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक सेल का डेटा लिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि ये डेट वाइज, ईयर वाइज, मंथ, स्टेट, ये डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। आप डेटा पर कहीं भी क्लिक करें और कंट्रोल के साथ टी बटन को प्रेस करेंगे, चेक लगाए रहने दें, इसको ओके कर दें, तो ये आपका डेटा टेबल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। आप यहाँ से इसको डिजाइन चेंज कर सकते हैं। मैं अभी सिंपल ही रखूंगा इसको, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और ये हमारा डेटा यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है सेल्स बाई एम्प्लॉई का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डेटा पर कहीं भी क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, या आप यहाँ पर न्यू वर्कशीट पर चेक लगा रहे थे, उसके बाद ओके कर दें तो आपकी यहाँ पर न्यू शीट खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपको डेटा चाहिए सेल्स बाई एम्प्लॉई, तो यहाँ पर हम सेल्स पर्सन ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पर चेक लगा देंगे इसके ऊपर, और यहाँ हम नीचे इसका ले लेंगे सेल्स वैल्यू, उसको हम यहाँ वैल्यू के अंदर रख देंगे। उसके साथ ही हमें यहाँ पर काउंटिंग भी चाहिए, तो एक बार फिर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे सेल्स वैल्यू पे और इसको फिर से नीचे रख देंगे। अब इसको यहाँ पर देखेंगे आप कि ये सम आ रहा है, तो हमें यहाँ पर काउंट चाहिए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वैल्यू फील्ड सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ से काउंट को ले लेंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पर इसकी काउंटिंग शो कर देगा। अब हमारा यहाँ पर ये डेटा आ चुका है। अब हमें यहाँ पर ग्राफ चाहिए, तो हम ग्राफ के लिए इस पर क्लिक करेंगे और पिवट टेबल एनालाइज पर जाएंगे और यहाँ से पिवट चार्ट पर क्लिक करेंगे, और इसके लिए हम ये चार्ट ले लेते हैं, इसके बाद इस पर ओके करेंगे, तो ये चार्ट हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से हम इस बटन्स को हटाना है, तो हम इस पिवट चार्ट एनालाइज पर जाएंगे और फील्ड बटन पर क्लिक कर देंगे, तो ये चार्ट, ये बटन हमारे हट जाएंगे। उसके बाद हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम ग्रिड लाइंस को हटाना है, तो ग्रिड लाइंस पर अनचेक कर देंगे, लीजेंड को अनचेक कर देंगे, उस पर टाइटल देना है तो हम चार्ट टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ हम इसका नाम दे देंगे एम्प्लॉई वाइज सेल्स, और उसके बाद ये हमारा रेडी हो चुका है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद चेंज सीरीज चार्ट टाइप पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम चेक लगा देंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम ले लेंगे स्ट्रेक्ट लाइन विद मार्कर्स, और उसके बाद इसको ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे ये हमारा सेकेंडरी एक्सेस आ चुका है। उसके बाद दोस्तों, हम इसका डिजाइन चेंज कर लेते हैं, तो जाएंगे डिजाइन के ऊपर, चेंज क्लास पर जाएंगे और यहाँ से हमको डिजाइन इसका ले लेंगे। अब इसके ऊपर हम डाटा लेबल्स लगा लेते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड डेटा लेबल्स पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर डेटा लेबल्स आ गया है। ऐसे इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद इस पर राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल्स पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर इसका डेटा लेबल आ चुका है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। इसको मैं एक बार रीनेम कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ एम्प्लॉई वाइज। और एम्प्लॉई वाइज जो शीट है इसका पिवट को भी मैं नाम देता हूँ एम्प्लॉई वाइज। तो यहाँ पर डेटा पर क्लिक करें और पिवट टाइप और पिवट टेबल एनालाइज पर क्लिक करें, उसके बाद आपको यहाँ पर पिवट टेबल टू दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ पर लिख दें एम्प्लॉई वाइज। तो दोस्तों, यहाँ पर एम्प्लॉई वाइज डेटा हमारा रेडी हो चुका है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो डेटा रेडी करना है वो सेल्स वाइज स्टेट्स है। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी शीट को कॉपी करके नेक्स्ट न्यू शीट पर लेके जाएंगे, तो इस पर कंट्रोल के साथ माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है, उसको ड्रैग करके नेक्स्ट शीट हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें डेटा चाहिए स्टेट वाइज, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और इस पर डेटा पर क्लिक करें। डेटा पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से
पर्सन को आप यहाँ से अनचेक कर दें और यहाँ से आप स्टेट पर क्लिक करें, तो स्टेट पर हम यहाँ पर चेक लगा देते हैं। दूसरा, हमें काउंटिंग नहीं चाहिए तो हम काउंट वाले वैल्यूज पे जाएंगे, यहाँ से रिमूव फील्ड कर देंगे, तो जो हमारा फील्ड था काउंटिंग वाला वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब हमें यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम इस डेटा के ऊपर क्लिक करके पिवट टेबल एनालिसिस पे जाएंगे, पिवट चार्ट पर जाएंगे, और इसके बाद हमें यहाँ पर बार ग्राफ को लेना, तो बार पे क्लिक करेंगे, इसको ओके कर देंगे, तो हमारा ये ग्राफ जनरेट हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ से बटन को हटाना है, तो हम पिवट चार्ट एनालिसिस पे जाएंगे और फील्ड बटन पे क्लिक करेंगे, तो बटन हमारे हट चुके हैं। मैं यहाँ से इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और ग्रिड लाइन को हटाना है, तो आप ग्रिड लाइन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं, या आप यहाँ से ग्रिड लाइन पे अनचेक करके इसको हटा सकते हैं। तो ये हमने यहाँ से हटा दिया है। अब उसके टाइटल को चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर डालते हैं हम स्टेट वाइज सेल्स। तो ये हमारा यहाँ पर इसका टाइटल आ चुका है। अब इसके ऊपर डाटा लेबल लगा लेते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके इस पर एड डाटा लेबल्स लगा देते हैं, तो डाटा लेबल्स भी हमारे इसके ऊपर आ चुके हैं। अब देखेंगे हमारा ये ग्राफ जनरेट हो चुका है। अब इसकी हम थोड़ा डिजाइन चेंज कर लेते हैं, डिजाइन पे जाएंगे, चेंज कलर्स पे जाएंगे, और इसको मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ग्रीन कलर हम यहाँ ले लेते हैं। तो ये हमारा स्टेट वाइज डेटा यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इस शीट को रीनेम कर लेते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेट वाइज सेल्स और डेटा पे क्लिक करेंगे और पिवट टेबल एनालिसिस पे जाएंगे, और यहाँ से हम यहाँ पर इसको पिवट टेबल का नाम दे देंगे स्टेट वाइज सेल्स। तो ये हमारे पिवट टेबल यहाँ पर इसकी रेडी हो चुकी है। अब हमें अगला डेटा रेडी करना है आइटम वाइज सेल्स का। तो आइटम वाइज सेल्स के लिए हमें फिर से डेटा को कॉपी करके न्यू शीट पर लेके जाना है, तो मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ, मूव और कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको क्रिएट और कॉपी करके ओके करता हूँ, तो हमारा ये डेटा यहाँ पर कॉपी हो चुका है। अब हमें चाहिए ये डेटा आइटम वाइज। देखिए यहाँ पर हमने जो लिया है इसको आइटम वाइज लिया है, तो हमें आइटम वाइज रेडी करना है, तो फिर से मैं ग्राफ को डिलीट कर देता हूँ और डेटा पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से स्टेट को हटा देते हैं और आइटम नेम पे चेक लगा देते हैं, और ये हमारा डेटा आइटम वाइज आ चुका है। उसके बाद इस डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पिवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पिवट चार्ट ले लेंगे, और यहाँ से मैं इसका बार ग्राफ ले लेता हूँ, तो बार पे क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसका चार्ट आ चुका है। इसके हम बटन हटा लेते हैं, तो पिवट चार्ट एनालाइज पे जाएंगे, बटन्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं ग्रिड लाइंस हटा देता हूँ और लीजेंड हटा देता हूँ, तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से होगा। डेटा लेवल ऐड करने है, तो डेटा लेवल पे आप चेक लगा दीजिए, डेटा लेवल हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ भी जनरेट हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको रीनेम कर देता हूँ टाइटल को, और यहाँ दे देता हूँ इसका नाम आइटम वाइज सेल्स। फाइल को रीनेम कर लेते हैं, इसको भी मैं यहाँ से इसको आइटम वाइज सेल्स नेम दे देता हूँ, और इस डेटा पे क्लिक करके पिवट टेबल एनालिसिस पे क्लिक करें, और यहाँ पर भी हम इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं आइटम वाइज सेल्स। तो ये भी हमारा डेटा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एम्प्लॉय वाइज डेटा आ गया, स्टेट वाइज डेटा आ गया, आइटम वाइज आ गया। अब हमारा डेटा है नेक्स्ट आइटम कैटेगरी वाइज सेल्स। तो आइटम कैटेगरी वाइज सेल्स के लिए हम इसको फिर से कॉपी करेंगे, तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है, उसको ड्रैग करके आगे ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ, और यहाँ मैं इसका नाम देता हूँ कैटेगरी वाइज सेल्स। तो यहाँ से अब हम इस ग्राफ को डिलीट कर लेते हैं, डेटा पर क्लिक करते हैं इस पर, और यहाँ से हम आइटम को हटा देते हैं, आइटम कैटेगरी ले लेते हैं, और यहाँ फिर हम इस डेटा पर क्लिक करते हैं, पिवट टेबल एनालिसिस पे जाते हैं, पिवट चार्ट पे जाते हैं, और यहाँ से हम फिर से बार ले लेते हैं और ओके करते हैं, तो देखिए हमारे यहाँ पर ग्राफ रेडी हो चुका है। उसके बाद पिवट चार्ट एनालिसिस पे जाएंगे, फील्ड बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम ग्रिड लाइंस को हटा देंगे, लीजेंड हटा देंगे, और टाइटल को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कैटेगरी वाइज सेल्स। तो ये हमारे कैटेगरी वाइज आ चुका है, इस पर क्लिक करें, और
मैं इसको फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, कलर को चेंज ले लेता हूँ। तो सेफ यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं, हम यहाँ से इस कलर को ले लेते हैं, फिर से डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पिवट टेबल एनालिसिस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे कैटेगरी वाइज सेल्स। तो हमारा कैटेगरी वाइज सेल्स रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। उसके बाद हमें कैटेगरी वाइज पाई चार्ट का डेटा बनाना है। तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर इस पर फिर से कॉपी करके इसको आगे लेके जाते हैं और यहाँ पर मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ पाई चार्ट और इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डेटा पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाते हैं और यहाँ से हम शो वैल्यू एज पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इस ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं इसको परसेंटेज ऑफ ग्रांटेड रोल और उसके बाद इसको ओके करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर डेटा हमारा परसेंटेज में आ चुका है। उसके बाद इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, नंबर फॉर्मेट में जाते हैं और इसको यहाँ से जीरो कर देते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से डेसिमल्स हट चुका है। उसके बाद डेटा पे क्लिक करें और पिवट टेबल एनालिसिस पे जाएं, यहाँ से पिवट चार्ट पे जाएं और यहाँ से पाई पे क्लिक करें और यहाँ से ओके करें। तो देखेंगे हमारा पाई चार्ट यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से ऐड डेटा लेबल्स लगा दें, इस पर क्लिक करें, यहाँ से हम इसका बटन हटाना है। तो पिवट चार्ट एनालिसिस पे जाएं और बटन पे क्लिक करें, उसके बाद प्लस आइकन पे क्लिक करें और यहाँ से लीजेंड को भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो फिर से राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डेटा लेबल्स पे जाएं, यहाँ पर कैटेगरी नेम पे चेक लगा दें और इसको नीचे जाके ओके कर दें, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो ये डेटा हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो पाई चार्ट भी हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। हम यहाँ पर इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे कैटेगरी वाइज सेल्स और इस डेटा पे क्लिक करके आप पिवट टेबल एनालिसिस पे क्लिक करें और यहाँ पर भी आप इसको चेंज करें पाई चार्ट। तो ये हमारी शीट रेडी हो चुकी है। अब फाइनल बारी है हमें डैशबोर्ड बनाने की। दोस्तों अब हमें यहाँ पर फाइनली ये डैशबोर्ड रेडी कर लेना है। तो उसके लिए आपको न्यू शीट ले लेनी है, न्यू शीट पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप रीनेम कर दें इसको और यहाँ पर आप डाल दीजिए डैशबोर्ड। अब हमें इन ग्राफ्स को ये वन बाई वन करके हटा लेना है। तो सबसे पहले अब इसका मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको शीट को सेलेक्ट करें और यहाँ से हम इसको लाइट ग्रे ले लेते हैं। अब यहाँ से उसके बाद अब हमें जाना है, डेटा चाहिए हमें सेल्स बाई एम्प्लॉइज। तो दोस्तों अब हम जाएंगे यहाँ पर एम्प्लॉइज जो हमारी सेल थी उस पर जाएंगे, यहाँ से इसको कट कर लेंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस करें, उसके बाद डैशबोर्ड पर जाएं और उसके बाद आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर लें। उसके बाद अब हमें डेटा चाहिए सेल्स बाई स्टेट्स। तो सेल्स बाई स्टेट्स के लिए स्टेट वाइज सेल्स पर जाएंगे और यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स से कट करेंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे और यहाँ इसको हम पेस्ट कर लेंगे। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, इसको क्लोज करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा इसको सेट करेंगे और इसको भी थोड़ा साइड में ले लेंगे इसके। तो ये हमारा आ चुका है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब बारी है आइटम वाइज सेल्स की। तो फिर से हम जाएंगे और यहाँ आइटम वाइज सेल्स पे क्लिक करेंगे, इसको कट करेंगे यहाँ से, कंट्रोल एक्स, डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ इसको पेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हमारा आइटम वाइज सेल्स आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद अब हम ले लेंगे कैटेगरी वाइज सेल्स। तो कैटेगरी पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी, इसको भी छोटा कर लेते हैं, इसको साइड में लेता हूँ, इसके डैशबोर्ड को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ तो यह फिट हो जाएगा। तो ये हमारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब बारी है पाई चार्ट की। तो पाई चार्ट पे जाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, डैशबोर्ड पे जाते हैं, उसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ग्राफ्स को थोड़ा साइड करते हैं,
सारे सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको साइड में कीजिए, उसके बाद इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा इस पर क्लिक करें और इसको भी साइज को उसको अंदर से बड़ा कर लें। तो ये हमारा कैटेगरी वाइज डेटा आ चुका है। अब बारी है स्लाइसर लगाने की। तो दोस्तों अब हम जाएंगे इस डेटा पे डैशबोर्ड पे, हम यहाँ पर स्लाइसर लगाएंगे। तो आप कहीं भी किसी भी ग्राफ पर क्लिक करें, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद स्लाइसर का ऑप्शन मिल जाएगा, स्लाइसर पर क्लिक करें। अब हमें डेटा चाहिए ईयर वाइज, मंथ वाइज, स्टेट वाइज, तीनों स्लाइसर चाहिए, ओके कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ ईयर पे क्लिक करते हैं, इसको यहाँ लेके जाते हैं और इसको थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं। तो स्लाइसर पे क्लिक करें और यहाँ पर हम इसको थ्री पार्ट में ले लेते हैं। तो यहाँ पर थ्री पे क्लिक करें, ओके करेंगे तो देखेंगे आपका ये आ चुका है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो जाते हैं नीचे और यहाँ से इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ साइज में। ये हो चुका है और इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। अब इसका डिज़ाइन चेंज करना है तो इस पर क्लिक करें, स्लाइसर पे जाएं और यहाँ से आप इसका कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसका डिज़ाइन ले लेता हूँ ये। उसके बाद हमें लगाना है यहाँ पर मंथ वाइज डेटा, तो यहाँ पर मंथ ले लेते हैं और स्लाइसर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम इसके फोर कॉलम्स ले लेते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर ये मंथ वाइज आ गया। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको इसके नीचे सेट कर देते हैं। इसका भी हम डिज़ाइन ले लेते हैं, स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, इसको नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे, इसको हम यहाँ से ग्रीन ले लेते हैं। तो हमारा ये मंथ वाइज आ चुका है डेटा। अब हमें चाहिए स्टेट वाइज, तो हम स्टेट वाइज भी ले लेते हैं, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और स्लाइसर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको टू कर देंगे, इसको नीचे लगा देते हैं। तो ऑलमोस्ट ये डेटा हमारा, तो ये डैशबोर्ड हमारा रेडी हो चुका है। इनको भी थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, क्लिक करते हैं इसको नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं और इस वाले ग्राफ को भी मैं थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेता हूं। तो दोस्तों हमारा ये डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये डेटा चेंज होना चाहिए। जैसे मैं ईयर पर क्लिक कर रहा हूँ तो ईयर 2019 में क्लिक कर रहा हूँ तो एम्प्लॉई वाइज डेटा चेंज हो रहा है। 2020 में क्लिक कर रहा हूँ तो भी एम्प्लॉई वाइज डेटा चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी हमने इनको लिंक नहीं किया है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इस पर राइट क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन पर जाएंगे और यहाँ से हम इनको सबको चेक कर देंगे, ओके करेंगे। उसके बाद मंथ पर जाएंगे, मंथ वाले स्लाइसर पर भी राइट क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कनेक्शन पर जाएंगे और यहाँ से भी हम इनको चेक कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद स्टेट पर जाएंगे और यहाँ से भी हम इस पर राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शन पर क्लिक करेंगे और इन पर भी सब पे चेक लगा देंगे। तो अब देखेंगे, अब ये डेटा हमारा डायनेमिक हो चुका है। अब आप देखिए ईयर पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा हमारा चेंज हो रहा है। मंथ पे जाएंगे तो मंथ वाइज डेटा यहाँ पे शो करेगा और अगर आप स्टेट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेट वाइज डेटा यहाँ पर शो होने लग जाएगा। दोस्तों ये फुली डायनेमिक है, आप इस डैशबोर्ड की हेल्प से अपने डेटा को बहुत ही अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये आज का वीडियो देखकर आपको समझ आ गया होगा कि एक्सेल में डैशबोर्ड को हम किस तरीके से बना सकते हैं। फुली डायनेमिक है, इसकी हेल्प से आप अपने डेटा को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। थैंक यू।